धनबाद के वासीपुर में बुधवार की रात मुहर्रम के दौरान दो संप्रदाय के लोगों में हिंसक भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। वारदात मुहर्रम जुलूस के दौरान हुई। हिंसक झड़प की खबर पाकर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन उग्र भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाई। पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों में पत्थरबाजी चलती रही। मौके पर हालात की नजाकत को देखते हुए पुलिस लाइन से अतिरिक्त फोर्स भेजी गई। वरीय अधिकारियों के साथ जिले के कई थानों की पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और पत्थरबाजी कर रही उग्र भीड़ को समझाने की कोशिश की। इस दौरान कई पुलिस कर्मियों को भी चोट लगी है। हालात बिगड़ता देख धनबाद एसएसपी और डीसी समेत जिले के सभी बड़े पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और फिर पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पांडरपाला बुली थाना अंतर्गत बुली ओपी अंतर्गत रूट को लेके जुलूस का रूट को लेके कुछ हिंदू मुस्लिम स्कर्मिश हुआ था। यहाँ पर दोनों पक्ष के द्वारा पत्थरबाजी करने का सूचना प्राप्त हुआ है और सूचना प्राप्त होने पर तुरंत बुली थाना प्रभारी के साथ साथ डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर एवं सिटी एसपी साहब लोकेशन पर पहुंच गया था। लोकेशन पर लोगों को समझा बुझा के अभी भीड़ को हम लोग हटा दिया है और रात भर हम लोग यहाँ पे फोर्स का डेपुटेशन कर रहा है और कल सुबह भी हम लोग यहाँ पर डेपुटेशन करेंगे। इसके साथ साथ कल यहाँ पे कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग के लिए हम लोग शांति समिति का बैठक भी करेंगे और हम लोग फ्लैग मार्च भी करेंगे और जो भी आदमी यहाँ पे हुड़दंगी मचने का काम किया है ऐसे आदमी को हम लोग चिन्हित करते हुए बहुत कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मतलब जितना आदमी घायल है, पुलिसकर्मी घायल है, तो पत्थरबाजी हुआ तो पुलिसकर्मी कुछ लोगों को चोट लगा है और कुछ पब्लिक को भी चोट लगने का सूचना हम लोगों को मिला है। कल ये सब चीज क्लैरिटी हो जाएगी कितना आदमी को चोट लगा है। बोल दिया कि पुलिस में सब आदमी इन्वॉल्व है। इसमें भी वही बता रहे कि कुछ रूट का डाइवर्शन को लेकर ही प्रॉब्लम शुरू हुआ बता रहा है। इसका हम लोग वेरिफिकेशन कल हम लोग करेंगे। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति एकदम नॉर्मल है। यहाँ पे फोर्स हम लोग सफिशियंट अमाउंट में पहुंच गया है। जहाँ जहाँ जरूरत है हर चौक पर हम लोग अभी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया। यहाँ पर माइक से ऐलान कर सभी लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए। पुलिस की काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया जा सका। वहीं डीसी माधवी ने कहा कि हालात काबू में हैं। जिसके घर से भी पत्थरबाजी हुई है उसको चिन्हित कर पकड़ा जाएगा। अभी जैसे आप लोग देख सकते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। यहाँ पर सफिशियंट फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और हम लोग रात भर यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट रखेंगे। जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से सतत निगरानी रखी जा रही है। इसमें जो भी इसके लिए दोषी हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई भी करनी चाहिए। कारण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी तो स्थिति को नियंत्रण करना है, जैसे आप सभी देख पा रहे हैं। और उसके बाद जो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने कराई है उसके फुटेज वगैरह निकाल करके कल हम लोग इस पर बैठ करके दोनों पक्षों में जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके खिलाफ। ताजिया के रूट को डाइवर्ट करने का आरोप इन लोगों ने लगाया है और उसकी भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कौन से रूट से ताजिया होकर गुजरा था। और यदि रूट को डाइवर्जन करने की बात आएगी तो उसमें हम लोग थाना प्रभारी अगर उसमें जिम्मेदार होंगे तो वो भी एसएसपी साहब को कन्वे कर दिया गया है। और जो जिम्मेदार इसमें जो भी लोग हैं, चाहे वो पदाधिकारी हों या अन्य यहाँ के आम नागरिक हों, जो भी लोग होंगे उनको चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। जानकारी के मुताबिक वासेपुर के पंडारपाला से जैसे ही ताजिया का जुलूस भरत चौक के पास पहुंचा, अंधेरे का फायदा उठाते हुए ताजिया में शामिल शरारती तत्वों ने अचानक घरों पर पथराव शुरू कर दिया और कई घरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया और फिर दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। पूरा इलाका रण क्षेत्र बन गया। पत्थरबाजी के बीच ही कुछ लोगों ने फायरिंग भी की और दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया। खबर पाकर तत्काल पुलिस पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया जा सका। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव का माहौल है, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां कैंप किए हुए है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।